नमस्कार दोस्तों, लीगल एक्सप्रेस चैनल पर मैं एडवोकेट आलोक सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एआईबी के बारे में जानेंगे। एआईबी क्या है, तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि भारत में हर साल 60 से 70 हजार स्टूडेंट लीगल प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए, कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए और उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने के लिए उन्हें एआईबी का एग्जाम पास करना जरूरी होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो सेगमेंट में क्या क्या चीजें बात करेंगे, इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न की, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है और इस एग्जाम के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें या एक स्टूडेंट किस तरह से प्रिपेयर करें ताकि वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एआईबी है क्या। एआईबी मींस ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एक नेशनल लेवल का एग्जाम है जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है। एआईबी का एग्जाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया साल में दो बार कंडक्ट कराती है। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद एक स्टूडेंट को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी कि सीओपी मिल जाती है। इस एग्जाम का मेन एम क्या है, इस एग्जाम का मेन एम है कि हम उस प्रत्येक स्टूडेंट का जो लीगल प्रोफेशन ज्वाइन करने जा रहा है उसकी नॉलेज के बारे में, उसके एप्टीट्यूड के बारे में हम चेक करें कि क्या वो लीगल प्रोफेशन करने लायक है या नहीं है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसीलिए एआईबी एग्जाम कंडक्ट कराती है। हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। एआईबी के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगा, तो कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कैंडिडेट इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। इस एग्जाम की कोई लोअर या अपर एज लिमिट नहीं है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 3 ईयर और 5 ईयर डिग्री फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। मतलब स्टूडेंट को 3 साल या 5 साल की डिग्री पूरी करनी चाहिए और किसी वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही होनी चाहिए जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है। कैंडिडेट को एआईबी का फॉर्म भरने के लिए उसके स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। हम लोग बात करेंगे एआईबी के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो कि ऑफलाइन होता है। जो एग्जाम का मोड है वो ऑफलाइन है। लैंग्वेज ऑप्शंस कितने हैं, तो टोटल लैंग्वेज ऑप्शन 11 लैंग्वेज ऑप्शन आपको मिलते हैं यहाँ पे। ड्यूरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इस एग्जाम का ड्यूरेशन 3 आवर्स और 30 मिनट है। जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स यहाँ पे 100 होते हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो भी 100 होते हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, कोई निगेटिव मार्किंग यहां नहीं होती है। इस एग्जाम के कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को मिनिमम 40% मार्क लेकर आना है। 40% मार्क अगर आप लेकर आते हैं तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। वहीं एससी और एसटी स्टूडेंट के लिए इसकी कट ऑफ 35% रखी गई है। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि आप इस एग्जाम में 95% करते हो या 40% करते हो, क्योंकि इसकी कोई मेरिट नहीं है। अगर आप मिनिमम 40% को क्रॉस कर लेते हो तो आप एआईबी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो और आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया सीओपी दे देगी। सीओपी मींस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो जब एक कैंडिडेट स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होता है तो वो 2 साल के लिए उसको अस्थायी रजिस्ट्रेशन दी जाती है और 2 साल के अंदर उसको एआईबी का एग्जाम पास करना जरूरी होता है। एआईबी इस एग्जाम में आपको क्या मदद करेगी, तो मदद ये होती है कि पहले एग्जाम में बुक ले जाना, नोट्स ले जाना, बेयर एक्ट्स ले जाना अलाउड था, लेकिन अब केवल आप बेयर एक्ट्स ले जा सकते हैं। एग्जामिनेशन में आप परमिशन लेकर केवल बेयर एक्ट्स ले जा सकते हैं, आप किसी बुक को या कोई नोट्स आप लेकर एग्जाम में नहीं जा सकते। तो स्टूडेंट्स आर अलाउड टू कैरी बेयर एक्ट्स ऑनली। एआईबी के सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो एआईबी ने जो सिलेबस रिलीज किया है उसके अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें कि उसका वेटेज कितना है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 10 मार्क्स की आती है, आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड से आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीपीसी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से भी आपको 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एविडेंस एक्ट से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट से आपको 4 क्वेश्चन मिलेगा, फैमिली लॉ से 8 क्वेश्चन मिलेगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स से आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे,
कंपनी लॉ से आपको 2 क्वेश्चंस मिल सकते हैं, एनवायरमेंटल लॉ से अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चन मिलेंगे, साइबर लॉ से 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ से आपको 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं, लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन से 4 क्वेश्चन मिलेगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ प्रॉपर्टी लॉ और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे, लैंड एक्विजिशन एक्ट से आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा। तो इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हम उसके बारे में बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपका जिसकी तैयारी आपको पहले करनी चाहिए या जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, जिससे वेटेज है, उसको आपको ज्यादा फोकस करना होगा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, फैमिली लॉ है और कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाते हैं AIB एग्जाम के लिए, जहां पे इन सब्जेक्ट्स को सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है। तो AIB के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक स्टूडेंट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए? तो प्लान तो ये होना चाहिए कि हम उन टॉपिक्स को पहले कवर करें या उस पर ज्यादा फोकस दें जिनका वेटेज इस एग्जाम में बहुत ही ज्यादा है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात की, IPC, CRPC, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फैमिली लॉ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि हमें अपने अंदर हमारे क्या वीकनेस है और क्या स्ट्रांगनेस है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट इसमें से मेरा स्ट्रांग है, मैं उस पर ज्यादा फोकस करूंगा। और तीसरी बात ये हो जाती है कि आप जब इस एग्जामिनेशन में जाए, जैसे कि BCI ने आपको बेयर एक्स अलाउ किया हुआ एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप राइट बेयर एक्स लेकर जाए। अगर पूरी बेयर एक्स लेकर जाएंगे तो उसके लिए आपको एक आदमी रखना पड़ेगा आपकी बेयर एक्स ढोने के लिए। तो राइट बेयर एक्स लेकर जाए, तो वो राइट बेयर एक्स क्या है, कौन कौन सी बेयर एक्स आप कैरी कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट बेयर एक्ट्स हमारे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, IPC, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट, CRPC और एविडेंस एक्ट। तो ये बेयर एक्ट्स आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात आती है कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एग्जामिनेशन में, यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस डायरेक्टली सेक्शन से पूछे जा सकते हैं। तो बहुत बार ये देखा गया है पिछले एग्जामिनेशंस में कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बेयर एक्ट से मिल जाते हैं जो सेक्शन से पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको लैंडमार्क केसेस से पूछे जाते हैं, लैंडमार्क केसेस जिनका बार बार रेफरेंस दिया जाता है। क्वेश्चन कुछ रिसेंट केसेस से भी पूछे जाते हैं और क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं लॉस और उसके साथ इलस्ट्रेशन से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी क्वेरीज जो थी वो सॉल्व हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।